अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बकर खान, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। सबसे पहले शामिल करते चलें न्यूज हेडलाइन। न्यूज हेडलाइन के लिए तावुन किया है चांद सा रोशन चेहरा लक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड, लाहौर रोड, सरगोधा। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नर्स्ड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। अमित चा लेके आ ते मौके तो फायदा उठा। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। बेमिसाल लोगों का बाएतमाद इदारा। प्रोप्राइटर मोहम्मद याकूब मेकन, ब्लॉक नंबर 13-14, मेकन प्लाजा, सरगोधा। एक बात याद रखें, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। सच बोल ते पूरा तोल। लिबर्टी कमर्शियल सिटी सरगोधा, सरगोधा की बेहतरीन लोकेशन, लाहौर रोड, दोदा। तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका, 7 अफराद जहां बाहक, 122 जख्मी हो गए, सैकड़ों मकानात और गाड़ियां जल गई, 4000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 22 हेलीकॉप्टर और 6 हवाई जहाज शोले बुझाने में मसरूफ। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर ने जोर पकड़ लिया और 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8.2% तक पहुंच गई, 5026 नए मरीज सामने आ गए। मौलिक वबा ने मजीद जिंदगियों को निगल लिया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आज से अंदरूने मुल्क फजाई सफर पर पाबंदी लगा दी गई। सियासी जमातों की जानिब से तनकीद के बाद सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी कर दी गई, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान, कार में 2 से ज्यादा अफराद बैठ सकेंगे, दूध और बेकरी की दुकानें शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। लाहौर के 13 हलकों में 12 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया, तमाम बाजार, दफातर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, पॉजिटिव केसेस की शरह में इजाफा हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा देंगे, वजीर आला पंजाब का इंतबाह। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली नजीर चौहान की कोट लखपत जेल लाहौर में तबीयत नासाज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। That's gone. That's a half century for Babar Azam. That's Akil of Instance. Goes with this one. दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 रन से शिकस्त दी, 158 रन के ताकुब में मेजबान टीम 150 रन बना सकी, पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल होगी। आज दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। रुझान इंडस हाईवे शमसाबाद के नजदीक हाईएस को आग लग गई, हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां हादसे की तरफ रवा दवा, हादसे में 3 अफराद झुलस गए जिनको तिबी इमदाद के लिए THQ रुझान शिफ्ट कर दिया गया। भुआना हुकूमत को आवाम पर तरसना आया, रिलीफ के बजाय आवाम को मजीद तकलीफ दे दी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमत में 1.71 रुपया इजाफा कर दिया गया। सनकोट सब्जोई बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया, दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग के 22 राहगीर जख्मी हो गया, पुलिस ने जख्मी राहगीर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पोर्ट मोहम्मद में दावत इस्लामी की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है के जज्बे के तहत हजारों पौधे लगाएंगे।